हेलो बच्चों, जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है ये। 4 अप्रैल शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट का, शिफ्ट वन का। इसमें आपको देखना है कि द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज वाई इज इक्वल टू 2a। ये एम्पलीट्यूड हो गया, साइन 2π n t / λ इंटू कॉस 2π x / λ। बताना कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है, सबका डायमेंशन चेक करना पड़ेगा, है ना। देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, ये जो कॉस थीटा होता है ना बच्चों, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। इवन जो इसका एंगल होता है ना, ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी को 1 लिख देते हैं सीधा, ठीक है। तो इसमें ये जो 2π, मैं कॉस की बात कर रहा हूँ अभी, 2π x / l, l नहीं, लैम्डा है। लैम्डा तो वेवलेंथ हो गया ना, वेवलेंथ का यूनिट यहाँ पर मीटर होता है। तो इसको हम लोग यूनिटलेस क्वांटिटी हो गया, इसको 1 लिखेंगे, है ना। ये डिफाइंड ही ऐसा होता है कि एंगल यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे जो 2π है ना, ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी हो गया। तो सिर्फ क्या होगा, x/λ, है ना, डायमेंशन इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब जो x का डायमेंशन होगा वो लैम्डा के डायमेंशन के बराबर होगा, और लैम्डा किसके बराबर होगा, लेंथ के बराबर होगा, है ना, मतलब मीटर के बराबर। और मीटर का डायमेंशन क्या होता है, l होता है। तो x का डायमेंशन क्या आया, यहाँ पर l आ गया। मतलब कि ये तो इनकरेक्ट नहीं है, ये तो करेक्ट ही है, ठीक है ना। तो इसको हम अभी नहीं देखेंगे। इसके बाद n/λ, तो फिर देखिए जो साइन वाला फंक्शन है ना, इसमें ये 2π n t / λ है। तो इसमें हम लिखेंगे कि 2π n t / λ ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, इक्वल टू 1। 2π तो कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। तो n/λ का जो डायमेंशन होगा ये इज इक्वल टू 1, और t टाइम है, तो n/λ, ठीक है, इज इक्वल टू 1/, ये t हो जाएगा, और t तो टाइम हो गया ना। तो टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टाइम का डायमेंशन तो कैपिटल T, जो कि यहाँ आकर के ये हो जाएगा t^-1। तो n/λ का डायमेंशन इतना आएगा, जबकि ये बोल रहा है कि टी होगा। तो इसका मतलब कि जो पूछा है हम लोगों से कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नंबर 2 ही मिल गया हम लोगों को, है ना। बाकी भी मैं चेक कर देता हूँ, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बट और भी मैं चेक कर देता हूँ। अब जैसे मुझे एन का डायमेंशन चाहिए, तो एन का डायमेंशन चाहिए और लैम्डा का डायमेंशन मालूम है अपने को, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये लैम्डा, और इधर में t^-1, तो देखिए क्या मिलेगा, l t^-1। तो ये n का डायमेंशन हो गया, जो कि ये तो मुझे मैच करता हुआ दिख रहा है, मतलब ये इनकरेक्ट नहीं है, है ना, ये करेक्ट डायमेंशन है। अब डायमेंशन ऑफ nt, तो n और t का डायमेंशन, तो nt/λ, ये तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया ना। तो nt का जो डायमेंशन होगा वो लैम्डा के डायमेंशन के बराबर होगा, और लैम्डा क्या है, l है, ठीक है। तो ये भी मुझे करेक्ट डायमेंशन दिख रहा है, मतलब यहाँ पे इनकरेक्ट डायमेंशन एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।